देखो इसमें यही लिखा हुआ है कि इस महावरुणी योग में गंगा यमुना नर्मदा कावेरी अन्य पवित्र नदियों में स्नान और दान आप लोगों ने दोनों ही किए हैं सब लोगों ने। तो योग बेसिकली क्या होता है समझिएगा, जैसे ज्योतिष में अभी तो हम ये सब चीजों पे बात करने लग गए हैं, दशा, किसको क्या मिलेगा, किसका करियर कैसा चलेगा, ये सब चीजें। लेकिन जब शुरुआत हुई थी ज्योतिष की, तो ज्योतिष की शुरुआत में कभी भी इस चीज पर फोकस नहीं किया गया था कि हम किसी व्यक्ति के या जातक के बारे में उसके जन्म समय का जाने। सबसे पहले निर्णय इस बात पर होता था कि पंचांग जो बना है, पंचांग मतलब फाइव लिम्स जो है टाइम की, उसके अकॉर्डिंग मिश्रा जी तो जो फाइव लिम्स है टाइम के, पंचांग, पंच अंग बेसिकली वो अलग है, जिसमें तिथि है, वार है, योग है, नक्षत्र है, ठीक है, करण है, इस तरीके से। तो क्या होता है कि ये सब चीजें मिलके ना अलग अलग योग का निर्माण करती हैं। जैसे आपने सुना होगा एक बहुत फेमस और बहुत वेल नोन योग हम सुनते आते हैं, गुरु पुष्य योग। तो जैसे गुरुवार है और पुष्य नक्षत्र अगर पड़ गया तो गुरु पुष्य योग बनाता है। तो इन योग की अपनी एक खासियत होती है। तो अभी तो क्या है, हमने उसको मटेरियल साइड पे ज्यादा रख दिया, तो अभी आदमी क्या करता है, उसको लगता है गुरु पुष्य योग है, तो किसी ने कह दिया कि भाई आप इस दिन एक काम करिए, आप अपना बिजनेस ओपन कर लीजिए गुरु पुष्य योग पे, ठीक रहेगा, या आप ऐसा कुछ कर लीजिए, ठीक रहेगा। लेकिन कहीं भी शास्त्रों में ना इस तरीके की चीजें नहीं लिखी गई हैं कि भाई आप ऐसा व्यापार करें या वो करें। वो तो ठीक है, हमने अपनी तरफ से चीजों को मॉडिफाई किया है जो भी किया, लेकिन जब हम योग की बात करते हैं, योग मींस कॉम्बिनेशन या एक कनेक्टिविटी। जैसे एक प्लैनेट किसी घर में जाके बैठा तो उस प्लैनेट का उस घर से एक योग बन गया ना, एक कनेक्टिविटी बन गई। तो योग का अर्थ वही है, हम किसी भी योग की बात करें, योग का अर्थ एक ही होता है, जीवात्मा का परमात्मा से मेल। समझे आप बात, जीवात्मा और परमात्मा का किसी भी रूप में अगर संबंध होता है तो उसे योग कहते हैं। योगा किस लिए किया जाता है आप बताएंगे? योगा है जो पतंजलि योग सूत्र है, उसका फाइनल वो क्या है, फाइनल क्रक्स क्या है बेसिकली? अरे कैवल्य है महाराज, कैवल्य मतलब अटेनमेंट ऑफ आत्मा का परमात्मा से मिलन, आत्मा का परमात्मा में लीन हो जाना, राइट। वो आप अपनी तरफ से ठीक है, लेकिन बेसिकली जो फाइनल सीढ़ी है वो अष्टांग जो सूत्र है उसमें कैवल्य है, ठीक। तो जब कभी ऐसा कोई योग आता है, जैसे आज भी एक योग था, जैसे इन्होंने बताया महावारुणी योग, तो योग का अर्थ ये हो जाता है कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं, आपकी कॉन्शियसनेस का कनेक्शन उस पर्टिकुलर कार्य से बहुत स्ट्रॉन्गली कनेक्ट हो जाता है। हमारी एक कॉन्शियसनेस है, हम जो कार्य कर रहे हैं उसकी अपनी एक ऊर्जा है, उसका अपना उसकी भी अपनी एक एनर्जी है। तो ये दोनों एनर्जी जो है बहुत अच्छे से मिलकर कार्य करती हैं। ये कौन निर्धारित करता है? योग निर्धारित करता है। इसलिए जब हम कभी पंचांग या मुहूर्त की बात करते हैं, तो जो पुराने जो पंडित लोग हैं, जो पुराने विद्वान हैं, वो कोई भी मुहूर्त आपको देते समय योग पर एक बार जो है वो मंथन अवश्य करते हैं कि क्या इस पर्टिकुलर दिन कोई योग पड़ रहा है, लाइक गुरु पुष्य या आज जैसे महावारुणी था। तो आप देखिएगा उसमें, वो वीडियो निकाल लीजिएगा, उसमें आपको मिल जाएंगे कौन कौन से योग है, मैंने मेंशन किया हुआ है। तो उसका फायदा क्या होता है वो समझिए, ठीक है। जैसे सपोज करो आपको किसी ने कहा आप मंत्र साधना कीजिए या आप किसी स्तोत्र का पाठ कीजिए, लेट से मैंने आपको रेमेडी के रूप में ये कह दिया आप भाई नारायण कवच करो, ठीक है, आप कर रहे हो उसको। लेकिन अगर वो एक्टिविटी आपने योग के दिन कर दी, जैसे आज योग था, आज आपने जो भी किया, चाहे वो मंथन किया हो, चिंतन किया हो, डिस्कशन किया हो, या कोई रेमेडी आपको मिली हो, तो उस चीज का जो अफेक्ट है वो मल्टी टाइम्स हो जाएगा।
मल्टी टाइम्स हो जाएगा। और ये सिर्फ बताने के लिए नहीं है, आप सब लोग आज वहां पर थे, प्रेजेंट थे। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर मैं ये कहूं कि आप खुद सोच के देखिए उस टाइम पर आपका मेंटल स्टेट कैसा था, आपको समझ में आ जाएगा आज का दिन क्या था, आप कैसे कनेक्टेड थे, क्या आपकी उस टाइम पे वेवलेंथ चल रही थी, कितने आपके विचार थे, कितने आपके विचार नहीं थे, वो आप स्वयं जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं आप वहां पे किस स्टेट में थे। हम बोलते हैं ना वो वाली जो मैं बोलता रहता हूँ कि आपको लिटा दिया और पूछा हाउ यू फील, आप कह रहे हो आई फील गुड, तो आज जो था वो यू वर नेचुरली फीलिंग गुड। तो वो जो कुछ भी आउटबस्ट हो रहा था, जो कुछ भी निकल रहा था, तो कोई दूसरा देख के ये कह सकता है यार ये तो इमोशनल हो रहा है आदमी, ये तो रो रहा है, लाइक वो सैड स्टेट में है। वो सैड स्टेट नहीं है, वो कहीं ना कहीं आउटबस्ट होके वो चीज निकल रही थी, तो अंदर से वो चीज निकल गई। तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो हील हो गए, उस हील होने के पीछे क्या किस चीज ने काम किया है, उस एनर्जी ने काम किया है जो वहां प्रेजेंट थी, उस जगह ने काम किया है, और सबसे बड़ा कार्य किया है उस योग ने जो आज बन रहा है। ठीक है, हमें तो अभी इस चीज का कोई पता नहीं था, अभी हमने उसको बाय डिफॉल्ट चेक किया महावारुणी को, तो उसमें लिखा हुआ है, आप गूगल पे डालेंगे कि भाई इस दिन पर्टिकुलरली किसी तीर्थ स्थान पर किसी नदी में स्नान करना अत्यंत शुभ है या लाभदायक है, जो भी वो लिखते हैं उस तरीके से। तो बेसिकली क्या है कि आप भी कभी जैसे कोई भी चीज करने जा रहे हो, लेट आपको किसी तीर्थ पे जाना है, आपने कोई रेमेडी करने कहीं किसी पिलग्रिमेज को आपने चूज कर लिया, भाई ठीक है आज मैं इस शिवलिंग के दर्शन करने जाऊंगा, आज मैं उज्जैन महाकाल के दर्शन करने जाऊंगा, ठीक है आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, हर दिन ईश्वर का ही है। लेकिन जब योग होता है तो योग के दिन और आप जो वो एक्टिविटी करोगे तो उसका महत्व बहुत बढ़ जाता है, बहुत बढ़ जाता है। अब इसका उदाहरण हम टेक्निकली ऐसे भी देख सकते हैं कि आपने देखा होगा, मान लो कोई व्यक्ति है उसकी सर्जरी करनी है, तो सर्जरी करने से पहले पूर्व जो है वो डॉक्टर क्या करता है, उसकी स्टेट देखता है ना कि स्टेट पूरी तरह परफेक्ट स्टेट में है, ये पता चला इसको लगाया और फिर आदमी चला गया, तो पहले वो परफेक्ट स्टेट देखते हैं, वो स्टेट के बाद वो निर्णय लेते हैं ये करें या ना करें। तो ये जो योग है ये आपको एक परफेक्ट स्टेट देता है किसी कार्य को करने की। और क्योंकि अब आप उस अध्यात्म के महत्व को भी समझ रहे हैं अपार्ट फ्रॉम मटेरियलिस्टिक, तो अगर आप ऐसा कुछ भी करने जाएंगे, कोई नाम लेने जाएंगे, कोई कीर्तन करने जाएंगे, किसी देवी देवता के दर्शन करने जाएंगे, और वही चीज आप इस योग के दौरान करते हैं, तो उसका अफेक्ट, उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाएगा, कई गुना बढ़ जाएगा। जैसे हम वो नाड़ी की बात कर रहे थे कि मान लो लेफ्ट चल रही है, तो लेफ्ट में हम मन लगा के कार्य कर सकते हैं, वो चंद्र का है, राइट में हम तन लगा कर कोई कार्य कर सकते हैं, लेकिन जब ये दोनों चल रही है, दोनों आज किस किस ने ऑब्जर्व किया आपने, ये दोनों जो नासिका है, जो सुषुम्ना, कितने लोगों की चली थी आज, कितनों ने ऑब्जर्व किया, बस औरों की नहीं, ऑब्जर्व नहीं किया, लेकिन हाँ अच्छा चलो मैं बता देता हूँ अभी कितनों की चली होगी, आपने ऑब्जर्व भी ना किया होगा, कितने लोगों के वहां पे माइंड जो थे वो शून्य स्टेट में थे, मतलब कोई थॉट नहीं आ रहा था, कोई थॉट नहीं था, मतलब ना अच्छा थॉट था ना बुरा थॉट, महाराज धन्य है। तो वो शून्य, अब देखिए ये दोनों ना, ये दोनों स्थिति जो है ये पैरेलल है एक दूसरे के, ये पूरक है। जैसे कि मान लो आपका थॉट नहीं चल रहा कुछ भी, आप थॉटलेस हैं, इसका मतलब सुषुम्ना ऑलरेडी एक्टिव है, या हम कहें सुषुम्ना एक्टिव है तो इसका मतलब कोई थॉट नहीं रहे। तो ऐसा कहा गया है स्वर शास्त्र में कि नॉर्मली आप कोई भी नाम ले रहे हैं, लेट से आपने कहा राम, तो ठीक है आपने वो एक बार बोला, उसकी एक बार की जो ऊर्जा है वो अपनी चली गई, वो अपना काम करेगी। यही नाम यदि आपने सुषुम्ना के समय लिया, तो एक नॉर्मल लिया हुआ नाम, एक मतलब 1000 नॉर्मली लिए हुए नाम, 1000 और एक बार सुषुम्ना में लिया हुआ नाम इक्वल है, इक्वल है। लाइक ये आपकी नासिकाएं चल रही हैं, आप थॉटलेस स्टेट में हैं, वंस यू से राम,
समझ लीजिए आपने 1000 जप लिया, 1000 का। और ये जो योग होता है, जब जब ये योग आते हैं, जैसे आज जो योग था, और आप किसी ऐसी जगह होते हैं तो वो एनर्जी आपको अलाइन कर देती है इसके साथ। इसलिए आज जितने लोगों ने भी हाथ उठाया था ना कि उनकी सुषुम्ना चली थी, तो आप देखते वो 10 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए नहीं चली होगी, घंटों के लिए चली होगी। तो वहां से स्टार्ट हो गई थी, वहां से जानकी सेतु से स्टार्ट हो गई। अरे बिल्कुल मिडल में थे हम जब मैं किया था, वहां से स्टार्ट किया था। हाँ, जब ऐसे किया था वो, दैट वाज द टाइम वो स्टार्ट हो गई। तो आप कभी भी आगे कभी देखें उस चीज पर विचार अवश्य कीजिएगा। दूसरी बात, आज कुछ ऐसी बात उठ रही थी कि हम अलग अलग लगन में जैसे हैं, तो कई लोगों के जो एक्टिवेशन है हाउसेस की, वो अलग अलग तरीके से हो रही है। कैसे? जैसे जुपिटर, हम सबको पता है अभी कौन सी राशि में ट्रांजिट कर रहा है, मेष राशि में कर रहा है ना। टॉरस में अभी कहाँ से आएगा? मैं समझ गया आपको जल्दी है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको पहले से ही धकेल दो। हाँ, तो मेष में है वो, तो मेष का मतलब क्या हो गया, वो धनु लगन से कौन से घर में आ गया, फिफ्थ हाउस में आ गया, राइट। तो धनु लगन वाले जितने भी लोग हैं, धनु लगन के कितने लोग हैं यहाँ पे जो सजिटेरियस असेंडेंट, ठीक है, आपको नहीं पता है आज आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट दिन था, उसका रीजन बता देता हूँ। यू आर सजिटेरियस असेंडेंट ऑल ऑफ यू, ठीक है, जितने भी लोगों ने हाथ उठाया। तो अब आपके कौन से घर में जुपिटर ट्रांजिट कर रहा था, फिफ्थ हाउस। मैंने क्या कहा कि हर ट्रांजिट एक डिविनिटी से एक कनेक्शन बनाता हुआ एक संकेत है। तो व्हाट इज फिफ्थ हाउस, हम फिफ्थ हाउस को क्या लेते हैं, इट इज योर पूर्व पुण्य भाव, योर पास्ट लाइफ कर्मांस बेसिकली। अभी हम पुण्य ऐड नहीं करेंगे उसमें, इसलिए नहीं ऐड करेंगे, किसी का फिफ्थ हाउस में मान लो डैमेज प्लैनेट बैठ गए तो उसे हम पूर्व पुण्य नहीं कह सकते, फिर बोलेंगे भाई इसने पूर्व पुण्य जैसा कुछ किया नहीं है जो उसे मिले। बट स्टिल व्हेन जुपिटर ट्रांजिट्स एनी हाउस, पर्टिकुलर हाउस, तो वो कहीं ना कहीं अपनी ब्लेसिंग उस हाउस को देता रहता है। तो ऐसे में कुछ घटनाएं हो सकता है आप लोगों ने आज कुछ अलग महसूस किया हो, मुझे नहीं पता, वो एक्सपीरियंस तो आप बता सकते हैं। महाराज तो आप समझिएगा मैं जो बोल रहा हूं कि फिफ्थ हाउस में आपका जुपिटर था, ठीक है, तो फिफ्थ हाउस क्या है, पूर्व पुण्य भाव है। आप थे किस जगह पर, आप थे भी बिल्कुल एक रिलीजियस स्पेस जगह पर, वैसे भी धर्म त्रिकोण का हिस्सा 1-5-9। तो आपने ये रियलाइज किया होगा कि कुछ तो आपके साथ अद्भुत सा हुआ होगा, वो एक्सपीरियंस आप ही बता सकते हैं, राइट। बताने की आवश्यकता नहीं है, आप समझ लीजिएगा वो जो भी हुआ होगा वो इसलिए हुआ है बिकॉज जुपिटर इज ट्रांजिटिंग इन योर फिफ्थ हाउस। नाउ कम्स टू द लियो असेंडेंट, हाउ मेनी ऑफ यू आर लियो, लियो, ओके, ठीक है, लियो है ना। अब देखिए लियो के कौन से घर में ट्रांजिट कर रहा था, नाइन्थ हाउस, राइट। नाइन्थ हाउस का मतलब क्या है कि जब जुपिटर आपके नाइन्थ हाउस में ट्रांजिट कर रहा है और आप पहले से ही किसी आध्यात्मिक पथ की तरफ हैं, पहले से ही आप भगवान के चिंतन मनन के अंदर हैं, तो ये ट्रांजिट जो है नाइन्थ हाउस पे लियो का, ये आपको इसी दौरान ईश्वर की अनुभूति करा देगा, किसी भी सेंस में करा देगा, डायरेक्ट करा देगा या इनडायरेक्ट करा देगा, बट करा देगा अगर आप अवेयर हैं और आप उस चीज को देख रहे हैं। तो वेन एवर जुपिटर ट्रांजिट्स योर फिफ्थ हाउस और द नाइन्थ हाउस, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांजिट, यू शुड नॉट वेस्ट इट। अब क्या है कि जब हम ट्रांजिट को कभी एक्सप्लेन करते हैं तो हम नॉर्मली क्या कह देते हैं, भाई ठीक है जुपिटर तुम्हारे पांचवें घर में ट्रांजिट कर रहा है तो दिस इज द टाइम फॉर चिल्ड्रन, फॉर चाइल्ड बर्थ, फॉर एजुकेशन, ठीक है, पांचवें घर की चीजों के लिए अच्छा टाइम बोल देते हैं। लेकिन स्पिरिचुअल सेंस में इस ट्रांजिट का महत्व बहुत बड़ा है बिकॉज फिफ्थ हाउस स्पिरिचुअलिटी में भक्ति को दर्शाता है। तो दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर योर भक्ति, किसके लिए, सेजिटेरियस असेंडेंट के, बेस्ट टाइम फॉर योर भक्ति। क्यों, जैसे हमने कहा समय से पहले भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता, समय शनि है, भाग्य बृहस्पति है, तो भाग्य इज सपोर्टिंग यू फॉर भक्ति रिलेटेड, यानी कि बाकी टाइम ऐसा नहीं है कि आप बाकी टाइम नाम लोगे तो वो नाम असर नहीं करेगा, बट दिस इज द टाइम व्हेन जुपिटर इज सपोर्टिंग योर भक्ति,
तो मे भी आप 50 बार बोल रहे हो कृष्णा 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 कृष्णा, नहीं सुनी आपने बोला एक बार कृष्णा कृष्णा सामने आ गया, तो दैट इज कि आप वो टाइम जो है को आप यूज कर सकते हैं उस तरीके से। सिमिलरली नाइन्थ हाउस को हम क्या कहते हैं, डिवाइन ब्लेसिंग्स बोलते हैं। डिवाइन ब्लेसिंग्स कहां से आएगी, ईश्वरीय कृपा से आएगी। तो दिस इज द टाइम फॉर यू टू हैव दोज डिवाइन ब्लेसिंग्स। तो दीज आर दीज टू पर्टिकुलर ट्रांजिट्स आर दोज जिसको आप मिस नहीं कर सकते और आपको करना नहीं चाहिए। अब जैसे अभी मे में जुपिटर ट्रांजिट कर जाएगा, कौन सी राशि में आ जाएगा, टॉरस में। अब आ जाओ किस पे, अब ये क्रूशियल टाइम किसके लिए आ गया, अब ये आ गया भाई वर्गो के लिए और कैप्रिकॉन असेंडर के लिए। हाथ उठाओ कौन कौन वर्गो है और कैप्रिकॉन, वर्गो एंड कैप्रिकॉन। मिश्रा जी अभी कुछ नहीं बीच में, अब ध्यान रखिएगा जितने भी वर्गो और कैप्रिकॉन वाले हैं जिन्होंने हाथ उठाया, भाई तुम्हें अगला एक साल जो मिला है ये बहुत ही अच्छा एक साल मिला है, इसको आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, किसी भी लिहाज से मिस नहीं करना। वट एवर भक्ति यू कैन परफॉर्म, वट एवर साधना यू कैन डू, जितना आप स्तोत्र पाठ करेंगे जो कुछ भी करेंगे उसका रिजल्ट आपको बहुत बेहतरीन मिलेगा। क्यों मिलेगा उसका रीजन बता देता हूं। अभी आप लोगों के यहां पर जुपिटर कहां ट्रांजिट करेगा, फिफ्थ में या नाइन्थ में। लेकिन फिफ्थ या नाइन्थ में जब ये आप भक्ति कर लोगे एक साल की, तो उसके एक साल बाद ये कहां मूव कर जाएगा, जेमिनाई में। तो कैप्रिकॉन के कहां चला गया, सिक्स्थ हाउस में। वहां से एस्पेक्ट किसे रहेगा, टेंथ हाउस को, फिफ्थ एस्पेक्ट से। और वर्गो एसेंडेंट में कहां चला जाएगा, स्वयं टेंथ में चला जाएगा। तो इसका अर्थ यह है इस एक साल जो आप भक्ति करेंगे, जो आप साधना करेंगे, वो आपके कर्म के रूप में जागृत हो जाएगी। कब, एक साल बाद। या आपको बैठे बैठे रेमेडी भी मिल गई, आपको किसी से कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं है। आपका एट्थ लॉर्ड का टाइम चले, आपका ट्वेल्थ लॉर्ड का टाइम चले, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये एक साल अच्छा निकाल दिया तो उससे अगले एक साल बाद जुपिटर आपको कुछ ना कुछ देगा ही देगा, देगा ही देगा। तो आपका फोकस इस चीज को ढूंढने की बजाय कि मेरे साथ क्या दिक्कतें होंगी, आपका फोकस इस बात पर होना चाहिए कि दिक्कत अगर होंगी भी तब भी मैं अपनी साधना को पूरा करूंगा ही करूंगा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ ट्रांजिट ऑफ जुपिटर। नाउ कमिंग टू अनदर इंपॉर्टेंट हाउसेस, लाइक कुछ ट्वेल्थ हाउस में किसी का जुपिटर ट्रांजिट करेगा, ट्वेल्थ हाउस। अब ट्वेल्थ हाउस का जुपिटर का ट्रांजिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका एक रीजन है, पहला तो ये कि ये मोक्ष त्रिकोण है, और ऊपर से जब भी जुपिटर किसी भी त्रिकोण में ट्रांजिट करता है आपकी जन्म कुंडली में, तो उस पूरे त्रिकोण को वो एक्टिवेट कर देता है, क्योंकि ये तो खुद भी 159 की दृष्टियां लेके चलता है, और त्रिकोण क्या है, त्रिकोण स्वयं भी 159 है। तो अगर जुपिटर किसी के ट्वेल्थ हाउस में ट्रांजिट करेगा, तो वो सबसे पहले किसको ट्रांजिट, फिफ्थ एस्पेक्ट किसको डालेगा, फोर्थ को। फोर्थ हाउस क्या है, आपका मन है। क्या है, मन है, या हृदय बोल सकते हैं, फोर्थ हाउस इज हृदय। देन नाइन्थ एस्पेक्ट कौन से घर पे जा रहा है, एट्थ हाउस पे। एट्थ हाउस क्या है, आपके इंटेंस इमोशंस है, या इंटेंस फीलिंग्स हैं आपकी, या हम उसको आपकी ओकल्ट पावर भी कह सकते हैं, गुप्त शक्तियां, हम उसको आपकी रिसर्च भी कह सकते हैं, हम आपको उसका चिंतन मनन भी कह सकते हैं, साधना, मतलब साधना की जब बात करें तो एट्थ हाउस ना चिंतन में ज्यादा काम करता है। जैसे हम सपोज करो ईश्वर का चिंतन कर रहे हैं, वो एट्थ हाउस में आ जाए। भक्ति कर रहे हैं फिफ्थ हाउस में आ जाए, स्तोत्र पाठ कर रहे हैं नाइन्थ हाउस में। हम मन 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 के अंदर किसी को स्थान दे रहे हैं, हृदय में किसी को स्थान दे रहे हैं, वो फोर्थ हाउस में आ जाए। बट क्योंकि हमारी जो एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी क्या है, मुक्ति का एक मार्ग ही है, तो ये एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस के लिए, एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च के लिए, एस्ट्रोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए बेस्ट ट्रांजिट है। कौन सा, जब आपका जुपिटर ट्वेल्थ में जाएगा, फोर्थ में जाएगा, या एट्थ में जाएगा। मैनी पीपल विल से यू कि भाई जुपिटर फिफ्थ में आ रहा है, विद्या ग्रहण कर लो। तो विद्या तो बात ठीक है, पंचम भाव में जुपिटर ट्रांजिट करेगा तो विद्या तो ग्रहण कर लेगा व्यक्ति। लेकिन जब आप ज्योतिष के डोमेन की बात करते हैं, ज्योतिष का डोमेन फिफ्थ या नाइन्थ नहीं है, वो 4, 8, 12 का डोमेन।
वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। तो दोज हैविंग जुपिटर का ट्रांजिट इन 4, 8 and 12, तो अभी मई के बाद आपने फोकस अपनी एस्ट्रोलॉजी पर करना है। दिस वन ईयर यू मे हैव द मोस्ट ब्यूटिफुल एक्सपीरियंसेस रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजी। इसका अर्थ ये नहीं है कि आगे एक साल बाद आप कभी ज्योतिष नहीं पढ़ पाएंगे, इसका अर्थ ये भी नहीं है कि आपको ज्योतिष की समझ आपकी आगे नहीं जाएगी, लेकिन ये एक साल आपका भाग्य आपको सपोर्ट कर रहा है कि आप ये कार्य कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर ऊर्जा का आपके जीवन में होना और उसी ऊर्जा के साथ में काम करना, इन दोनों के जब रिजल्टेंट निकल के आता तो बहुत ही फ्रूटफुल रहता है, इसका अर्थ ये है। जिन लोगों का जुपिटर 2, 6, 10 में ट्रांजिट करेगा, लाइक जो मेष लगन वाले हैं, ठीक, या फिर सिंह लगन वाले हैं जो अभी नेक्स्ट करने जा रहा है, टॉरस में जो ट्रांजिट करने जा रहा है, तो जितने भी लोगों का सेकंड हाउस, सिक्स हाउस, टेंथ हाउस में जुपिटर ट्रांजिट करने जा रहा है, उनके दिमाग में ये प्रश्न उठ रहा होगा, ये जुपिटर का ट्रांजिट मेरे लिए कैसा रहेगा, ठीक। तो 2, 6, 10 के हाउसेज के अंदर जुपिटर जब ट्रांजिट करता तो उससे पहले वो कौन से हाउसेज में रहता है, या तो इधर फर्स्ट में या फिफ्थ में या नाइन्थ में, तो इसका मतलब वो कौन से त्रिकोण में रहा, धर्म त्रिकोण में रहा। तो अब जितने लोगों के मन में ये प्रश्न उठ रहा है कि ये ट्रांजिट मेरा कैसा जा रहा है, तो सिर्फ पीछे जाके एक साल में ये विचार कर लो कि क्या धर्म किया है, क्या अधर्म किया है। कितनी सही चीजें की हैं, कितनी गलत चीजें की। ये प्योरली कर्मा थ्योरी है भाई, यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि तुम उगलते में आ जाओ कि किसी ने कह दिया तुम्हारे टेंथ में है तो तुम्हें प्रमोशन ही प्रमोशन मिलेगी। वो टेंथ में आ रहा है इसका मतलब टेंथ हाउस का कुछ घटना घटित होगी, हो सकता उठा के ऊपर रख दिए जाओ, हो सकता ऊपर से नीचे फेंक दिए, तो ये डिपेंड कर रहा है, करेगा कि जो पिछला एक साल गया है 1, 5, 9 का, उसमें तुमने धर्म कर्म को लेकर कोई कार्य किया है, अगर किया है अच्छा किया है। नाउ दिस इज द टाइम व्हेन यू विल गेट रिकॉग्निशन फॉर योर धर्म, जो भी आपने राइचियसनेस परफॉर्म की या जो भी अच्छा बुरा किया, इस टाइम पर अब आपको उसकी रिकॉग्निशन मिलने का समय आ गया है, इसका अर्थ ये। एंड व्हाट अबाउट 3, 7, 11? अब 2, 6, 10 किस चीज का है, अर्थ त्रिकोण है ना, प्रैक्टिकलिटी का है। तो बेसिकली इस एक साल में जिनका 3, 7, 11 में है, तो अब 3, 7, 11 ट्राइन किस चीज का होता है, ये इच्छाओं का होता है। दिस इज द टाइम ऑफ रियलाइजेशन ऑफ योर डिजायर, अब पूरी होने वाली, कुछ ना कुछ लाभ मिलने वाला है, आपके बिजनेस का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाए, या आपका अचानक से कोई बहुत पुरानी इच्छा है दबी हुई है वो पूरी हो जाए, बट कुछ तो ऐसा अवश्य हो, कुछ तो ऐसा अवश्य होगा। अब वो किस बेसिस पर होगा, इसका हम आकलन किस बात पर करेंगे, इसका आकलन इस बात पर करेंगे कि पिछले एक साल में हमने क्या कर्म किया, क्या धर्म किया है, इस बात पर नहीं, क्या कर्म किया। अब कर्म से अर्थ यहां पर क्या आ जाएगा, आपने कितने एफर्ट्स डाले हैं पिछले एक साल। तो दिस ट्रांजिट ऑफ जुपिटर इज नथिंग बट द चेन ऑफ योर कर्मा, how you are performing your karma in different domains, dharma, artha, kama, moksha, ye badalte rehte hain, usi ke according aapki life jo hai alag alag areas mein kaam karti rehti hai. Aur aapne dekha hoga ke cat mein bhi, ya jisko bnn bhi hum bolte hain, to usme bhi hum jupiter ke transit ko bahut value dete hain, बिकॉज ये जीवा का अपना एक एक्सपीरियंस बताता है कि जीव क्या क्या एक्सपीरियंस करेगा। तो अगर वहां से भी आप इसको मैच करोगे और इस थ्योरी से आप उसको मैच करोगे, तो आपको समझ में आएगा कि वो थ्योरी और ये थ्योरी अलग नहीं कह रहा। जैसे कि मान लो कि किसी का जुपिटर अभी राहु के ऊपर से ट्रांजिट करने जा रहा है, ठीक, तो जब नेटल राहु के ऊपर से जुपिटर ट्रांजिट करता है तो ऑब्वियसली ये जीवा को डेंजर में डालता ही डालता है, आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा, चार्ट्स पे लगाया भी होगा, बिकॉज राहु इज डेंजर, जुपिटर इज जीवा, राइट। अब एक थ्योरी तो कह रही है कि डेंजर टू जीवा, एक थ्योरी अभी हमने बात करी, तो क्या ये दोनों कॉन्ट्रडिक्ट कर जाएंगी, कि मान लो किसी का
राहु सेकंड हाउस में है, तो जुपिटर ट्रांजिट में पहले कहां था? फर्स्ट हाउस में। फर्स्ट हाउस क्या? धर्म त्रिकोण। अब उसने राइचियसनेस फॉलो की, लेकिन अब यहां के अकॉर्डिंग सेकंड हाउस में राहु आ गया, जो ये कह रहा है जुपिटर जैसे ही ट्रांजिट करके जाएगा वो हेल्थ को अफेक्ट करेगा, तो ये कॉन्ट्रडिक्ट नहीं होगी? हो रहा है ना, लेकिन ये कॉन्ट्रडिक्ट नहीं होगा। इस व्यक्ति को राहु के ऊपर अच्छे रिजल्ट ही मिलेंगे, यहाँ पे राहु सपोर्टिव हो जाएगा। यानी कि जिस जुपिटर को अभी आप सिर्फ जीवा के रूप में देख रहे थे, वो जुपिटर अब इस व्यक्ति के विजडम और इसके ज्ञान को फैलाव देने का काम करेगा, बिकॉज राहु इज ह्यूज एक्सपेंशन। तो इरिस्पेक्टिव के वो क्या कर रहा है, हम इस चीज को देखेंगे, अगर उसने प्रीवियस ट्रांजिट के अकॉर्डिंगली वैसा कुछ एक्टिविटी की है तो उसको इस ट्रांजिट के अच्छे रिजल्ट ही मिलेंगे, यानी कि राहु के अच्छे प्रभाव मिलेंगे, खराब प्रभाव नहीं मिलेंगे। जैसे हम कहें बिगर विजन, कि अचानक से किसी का विजन बहुत बड़ा हो गया, यानी कि पहले कोई आदमी बहुत छोटा सोच के चल रहा था कि नहीं यार मैं इतना ही करूंगा, लेकिन अचानक से उसके दिमाग में आ गया नहीं भाई मुझे बड़ा करना ही करना, मुझे एक्सपेंड करना है अपने आप को, अपने विजन को एक्सपेंड करना है, अपनी कंपनी को, अपने काम को एक्सपेंड करना है, तो इन दैट केस राहु विल कम इनटू। तो मुझे बताओ राहु के बिना एक्सपेंशन संभव है? नहीं। तो जो हम हमेशा बोलते हैं ना, और ये जो हमारे अंदर ये जो मिथ उठता है या जो प्रश्न उठता है कि कर्मों का क्या इंपॉर्टेंस है, तो यहां हमें समझ में आता है कर्म की क्या इंपॉर्टेंस। तो हर ट्रांजिट जो है उसकी एक इंपॉर्टेंस है, उस इंपॉर्टेंस को समझ के आपने कार्य करना है, राइट। अब किसी का प्रश्न है ट्रांजिट को लेकर या कुछ भी तो पूछ लो, कोई दिक्कत। जैसा आपने बताया प्रीवियस ईयर, तो क्या ये सिक्स ईयर्स बैक का भी मेमोरी रिकॉल करेगा? देखो बिल्कुल हाँ, मैं समझ रहा हूँ जो तुम जो प्रश्न तुम्हारे दिमाग में उठ रहा है वो ये उठ रहा है कि मान लो वो किसी एक त्रिकोण में आया, तो पहले जब कभी वो उस त्रिकोण में आया होगा तो क्या कुछ वैसा हुआ होगा? तो वो डिपेंड ये करता है, देखो एक्टिविटी तो उस त्रिकोण की होंगी, पॉजिटिव होंगी नेगेटिव होंगी, वो कलर, बट हाँ मोर और लेस वो उस तरीके की चीजें करेगा। फॉर एग्जाम्पल जब भी जुपिटर आपके 2-6-10 में आएगा तो आपके अर्थ त्रिकोण को, यानी कि फाइनेंस त्रिकोण को या प्रोफेशनल त्रिकोण को एक्टिव करेगा करेगा। तो जब भी जुपिटर सेकंड में, सिक्स में, टेंथ में आता है तो प्रोफेशन में हलचल होती ही होती है, आप देख सकते हो अपने साथ। जितने भी स्कॉर्पियो लग्न वाले हैं अभी फिलहाल एट प्रेजेंट, या जितने भी मीन लग्न वाले हैं, या जितने भी कर्क लग्न वाले हैं, तो कर्क, वृश्चिक और मीन, इन सब के 2-6-10 में जुपिटर ट्रांजिट किया है अभी पिछले एक साल से। तो आप किसी को भी उठा के देख लो, जितने भी हैं सबके, जो कर्क वृश्चिक और मीन वाले ना, सबके प्रोफेशन में खलबली हुई है, चेक कर लो, पूछ लो किसी से भी, पूछ रहेगी रहे। मुझे ना बहुत एक ब्यूटीफुल रियलाइजेशन हुआ अबाउट द जुपिटर, व्हाई इट इज कॉल्ड अ वेरी नाइस प्लैनेट। अगर आप पिछले साल कुछ गलत कार्य भी कर रहे हैं तो जुपिटर आपके वो पेंडिंग कर्मों को अगले साल ही रेक्टिफाई करके वापस आपको क्रिएटिव पाथ पे लेके जा रहा है। यहाँ मैं थोड़ा सा करेक्ट करूंगा तुम्हें, यहाँ पर हम जब ट्रांजिट में कर्म के रिजल्ट की बात करते हैं, लाइक कर्म का एक फल क्या निकल के आएगा, वहां हमें सैटर्न के ट्रांजिट को सबसे पहले देखना। जुपिटर तो एक भाग्य के रूप में, एक लाइट के रूप में आपको उस घर को टॉर्च दे रहा है कि देख भाई मैं रोशनी दे रहा हूँ उस घर को, मैं रोशनी दे रहा हूँ, मैं इस घर को एक ज्योति प्रदान कर रहा हूँ। अब इस ज्योति को तो इस घर के उत्थान के लिए यूज करे या ना करे वो तेरे ऊपर, बट आई एम गिविंग यू समथिंग कि जो तो लूज कर दिया तो इसका मतलब तूने को बहुत बड़ी चीज लूज कर। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं छोटी सी बात बताता हूँ, मैं गुरुजी का वीडियो देख रहा था, तो गुरुजी के वीडियो में उन्होंने एक चीज बोली थी बड़ी अच्छी, कि
जब उनके सिक्स हाउस में जुपिटर ट्रांजिट किया तो उनकी लाइफ में एक पेट ने एंट्री, पेट, पेट एनिमल। तो हम सब लाते हैं पेट एनिमल घर में, ठीक है लोगों के होता है कभी ना कभी लाते हैं। तो आप देखिएगा कि जब जुपिटर टेंथ हाउस में होता है सिक्स को एस्पेक्ट देगा, ट्वेल्थ में होगा सिक्स को एस्पेक्ट देगा, सिक्स में होगा तो सिक्स में है ही, सेकेंड में होगा तो सिक्स को एस्पेक्ट देगा। That may be the time when you may bring a pet into your home. Why? Why? Because pet is also a jeevatma. So in every house, there is some relation. That relation is a jeevatma. So whenever Jupiter blesses that house, some jeevatma related to that house will enter into your life. If it blesses. Yes. For example, हम ये कहें जैसे PLR करते हैं, भाई PLR का क्या सिस्टम है तो हमें नहीं पता, मैंने ना करवाई ना मुझे समझ में आता कभी, मैं जानता ही नहीं पहली बात तो PLR क्या है, तो मैं उसके बारे में बात ही नहीं करूंगा। मैं एक चीज बोलता हूँ कि मान लो जुपिटर किसी का फिफ्थ हाउस से ट्रांजिट कर रहा है, ठीक है। अब आपके समक्ष कोई भी व्यक्ति आके खड़ा हो गया, अच्छा व्यक्ति आपके लाइफ में आ गया एंट्री ले, एंड यू आर लाइक यार ये आदमी मिल, मैं इससे पहली बार रहा हूं लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मैं इससे कब से जानता हूं, बिकॉज जुपिटर विल ब्रिंग सम जीवात्मा, दैट पर्सन इज अ जीवात्मा, वो सामने आके खड़ा हो गया आपके, That person is from your पूर्व पुण्य भाव, आपके पास्ट लाइफ का कुछ अच्छा या बुरा लेना देना है जिसके कारण ये आदमी आपके सामने आगे खड़ा हो, ये आपकी चॉइस नहीं है, ये आपकी डेस्टिनी प्रारब्ध। अब आप उसको एंजॉय करोगे उस पास्ट से आए हुए व्यक्ति को, या आपको दुख मिलेगा, ये बाद की बात है, वो चीज खड़ी हो गया। ऐसे ही नाइन्थ हाउस में जब ट्रांजिट करेगा कोई डिविनिटी अपने आप किसी भी व्यक्ति के फॉर्म में कोई डिविनिटी एंटर कर जाएगी आपके लिए, पक्का एंटर करेगी। सेकंड हाउस, हाँ डिविनिटी का मतलब, डिविनिटी मतलब ईश्वरीय कृपा आएगी जीवात्मा के रूप में, चाहे किसी पेट के रूप में आ जाए, किसी मित्र के रूप में आ जाए, किसी सगे संबंधी के रूप में आ जाए, किसी घर में आए हुए किसी बच्चे के रूप में आ जाए, कुछ भी हो आएगी, 100% आएगी, बिलीव करने के ऊपर। नजर घुमाओगे, अवेयरनेस रखोगे अपनी, दिख जाएगी कि हाँ भाई ये सच बात है, हुआ है सब। और किसी का प्रश्न? सर आपने कहा कि स्कॉर्पियो लगन वालों के लिए और मीन लगन वालों के लिए, हाँ कर्म के रिजल्ट देगा, मतलब उस डोमेन को ये बहुत एक्टिव रखेगा एक साल, मतलब ये जो गया है तो कर्म आपने किस बेसिस पे बोला, क्योंकि सिक्स हाउस में कर मैं उसका उदाहरण देता हूँ, आज आपकी और मेरी बात हो रही थी तो आप अपने काम को लेकर मुझसे कुछ डिस्कस कर रही थी, तो आई वॉज लाइक कि आपको कहीं ना कहीं ऐसा है कि मेरे को ना मेरे काम के वो रिटर्न्स नहीं मिल रहे जो मुझे मिलने चाहिए, बोल रही थी ना आप मुझसे, तो मैंने आपको कुछ बोला था उसके बाद कि ये जाने के बाद ठीक हो जाएगा, मैं कोई मेरे को कोई मतलब सिद्धि प्राप्ति कोई आवाज आई मेरे को जो ये मेरे को बोल रही थी इनको बोलो ये जैसी जहाँ से जाएंगे ठीक हो जाएगा, नो देयर वाज अ साइंस बिहाइंड दैट, दैट साइंस वाज कि जब आप जाओगे तो ऑलमोस्ट आप मई के आसपास ही पहुंचोगे वहां पर, तो जुपिटर कहाँ पहुंच जाएगा, टॉरस में। टॉरस आपका कौन सा हाउस है, सेवंथ हाउस है, फिफ्थ एस्पेक्ट कौन से घर को डालेगा, इलेवंथ को डालेगा, और नाइन्थ एस्पेक्ट किसको डालेगा, थर्ड को डालेगा, एफर्ट्स कौन सा घर होता है,
गेंस कौन सा घर होता है, कोई बात नहीं, एक साल दुखी हो गए, अब जो भी एफर्ट्स किए थे उसके परिणाम भोगोगे, दैट वाज द रीजन। कॉल करके बताना, बताऊंगी नंबर ले, ठीक है? तो दैट वाज द रीजन। एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी में ऐसा नहीं होता कि कोई भी चीज ऐसे ही कह दी जाती है, एवरीथिंग इज लॉजिकल, इज बेस्ड ऑन सम लॉजिक। या चलो अगर हमारे को कोई इंट्यूटिवनेस आई भी कि मैंने बोला भी, तो उस इंट्यूटिवनेस का भी कहीं ना कहीं कनेक्शन दशा अंतरदशा से मिलेगा, ठीक है? ये इसका वो है। तो बेसिकली आपने एक बात कही थी वहां बैठ के मेरे को, सर मैं काम तो बहुत अच्छे से करती हूँ, मन से करती हूँ, तो इसका अर्थ क्या है कि आपने उस 2610 वाले ट्रांजिट में अपना कर्म अच्छे से किया है ना, किया है ना आपने अच्छे से, मतलब आप अपने आप से क्या बोलते हैं, अच्छे से किया है। अगर आपने अच्छे से किया है तो विदाउट आपकी दशा देख के मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर आपने अच्छे से किया तो मई के बाद आपको समझ में आएगा कि रिजल्ट क्या होते हैं, और आपका यकीन जो है और पुख्ता हो जाएगा ज्योतिष पे। यस, एस्ट्रोलॉजी बस तो पता ही आपको, बस और हो जाएगा। इसका मतलब तो गुरु जी ये टेस्ट करते रहते हैं हमें, मतलब उस एब्सोल्युटली हर चीज भाई, जो ग्रह, एक बात बताओ, ग्रह किसके एजेंट है, उसी के है ना, उसी के। तो वो खुद तो आएगा नहीं, उसने छोड़ रखे हैं कि ठीक है भाई घूमते रहो, देखते रहो, देखो ये क्या हरकत करता है। अच्छा फिफ्थ में बैठा है, अब फिफ्थ में आ गया किसी के, जुपिटर किसी के फिफ्थ में आया हुआ है। अब ऐसा थोड़ी है इनमें सारे भक्ति करने के लिए बैठे हैं, कुछ की भक्ति क्लब में चल रही होगी, अपने जिसके साथ में अफेयर है उसके साथ चल रही होगी, वो कुछ जो है वो वहां अपना कनेक्टिविटी बनाए बैठे हैं, रिजल्ट उसी के हिसाब से आएगा, समझ गए? अब भक्ति मन से करी है, तन से करी है, प्रेम से करी है, वासना से करी है, उसी के अकॉर्डिंग अब 2610 में रिजल्ट मिल जाएंगे, समझ गए? बस लेकिन इस व्यक्ति की परीक्षा जब रहेगी, जब ये अगला जुपिटर 2610 में गुजरेगा। कहने का अर्थ क्या है कि आप हमेशा क्या हो जाते हो, आप सोचते हो कि जुपिटर जब ट्रांजिट कर रहा है उस टाइम रिजल्ट मिल रहे हैं। नो, उस टाइम तो एक ग्राउंड दिया जाता है अपना काम करने के लिए, भाई तुम काम करो, खुला छोड़ा, तो हाँ खुला छोड़ा जाता है, राइट? अब मैं एक बात बताता हूँ, बड़ी छोटी सी बात बताता हूँ, समझना। ये सोनिया जी बोल रही थी कि इनका 2610 में जुपिटर गया है, ठीक है, लेकिन इन्होंने काम किया है, रिकॉग्निशन नहीं मिल रही थी, गेम्स मिल रहे थे, फिर भी इन्होंने काम किया। अब ऐसा भी थकता था फ्रस्ट्रेट होके अपना काम करती ना, या ये भी हो सकता था बोलते मैं बाय हुक बाय क्रूक सब चीजें छोड़ दो, बस मैं अब जो भी करना है मैं करूंगी, लेकिन स्टिल इन्होंने नहीं किया, ये 2610 का पॉजिटिव ही यूज करती रही। अब वो क्यों पॉसिबल हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं जब 159 में इनके जुपिटर ने ट्रांजिट किया होगा तब इन्होंने राइचियसनेस को फॉलो किया, इसलिए वो सिचुएशन बन पाई कि ये उस कर्म को करती रही करती रही। कोई बात नहीं, अब फ्रक्टिफिकेशन का टाइम आ, ऐसा पॉसिबल है कि अगर 159 में भी कार्य अच्छा ना हुआ हो लेकिन 2610 को भले गलत चल रहा है लेकिन विद समवन्स ब्लेसिंग वो 2610 को सही कर रहे हैं। वो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं अभी जो बोला वो क्या बोला, 2610 का अर्थ ये नहीं है कि फाइनेंस भाई छा गया आदमी तो बन गया सीईओ किसी कंपनी का, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। प्राप्ति करा दी ना, अब 4812 क्यों आता है, क्योंकि जब आदमी को प्राप्ति हो जाती है उसको चैन की सांस मिलती है, नाउ आई एम रिलैक्स्ड, नाउ आई एम फीलिंग फ्री फ्री। तो बेसिकली हम क्या कह रहे हैं, आई एम फीलिंग लिबरेटेड, दैट इज फोर। ये स्टोरी है, ये भगवान ने रची है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, राइचियसनेस का विचार कर लिया, चल अब काम कर, काम कर लिया, अब इसका
फल ले ले, फल मिल गया अब शांति से बैठ जा। फल के टाइम पे है ब्रह्मा तो बस समझ गए बात ये। अच्छा चल रहा है इंसान का, हाँ वो उसमें डूब गया उस वक्त वो 3711 के टाइम पे कार्य। अब वो रिलैक्सेशन जो होगी, अब वो 4812 वाली रिलैक्सेशन है वो किस पे मैटर करेगी, अब उसको सुनो। जब 3711 में इस आदमी को प्राप्ति होगी तो प्राप्ति में उसको रिवॉर्ड के रूप में क्या मिलेगा, ऑब्वियसली धन मिलेगा या कुछ, या तो धन मिलेगा या मान प्रतिष्ठा मिलेगी। तो अब डिपेंड करेगा ये उस धन का या उस मान प्रतिष्ठा का क्या करेगा। डिजायर फुलफिल के बाद कुछ तो आदमी करे, भाई मेरे पास अभी तेरे को मैंने कहीं से आ गया मैसेज तेरा 1 करोड़ रुपए आ गया, या तो तू एफडी कराएगा या अपनी कोई कार खरीदेगा, बंगला खरीदेगा, नहीं तो तेरे अंदर बहुत इच्छा जागृत हुई तो उसको डोनेट कर देगा, ले भाई मैं 50 लाख किसी को दे देता हूँ, 50 अपने लिए रखता हूँ। इस पूर्ति का जो तू इस्तेमाल करेगा उतना ही मुक्ति का एहसास तुझे 4-8-12 के समय में, समझ गया बात? यस सर, समझ गया। ये क्वांटिटेटिव भी है और क्वालिटेटिव भी, समझ गए? तो जो आदमी कहता ना इतना दुख क्यों, तो पहले पूछो इतना सुख क्यों। जब लैम्बोर्गिनी ली है तो दुख भी लैम्बोर्गिनी वाले झेलो ना, तुम क्यों सोचते हो तुम्हें मारुति वाले दुख मिलेंगे भाई। तो फिर तो सारे जो यहां बैठे हैं राजा ही थे पिछली बार। तो क्वांटिटी और क्वालिटी इन दोनों का एक पैरेलल समावेश है भैया ज्योतिष। साइमल्टेनियसली है, वो कम या ज्यादा नहीं है, समझ गए बात को? तो वो एक फंडामेंटल है जो समझना पड़ेगा, ठीक है? तो बाकी आज जो तुमने मजे लिए सब लोगों ने लंबोर्गिनी वाले ही है। वो मारुति वाले नहीं है भाई। वो तो योग का कमाल था। वो योग का कमाल था, महावारुणी योग का। हम तो आए थे मारुति में। पैदल वाले भी थे पैदल वाले भी थे बट उस जगह ने कोई भेद नहीं किया। समझ गए, जगह में भेद नहीं था, आए कोई कैसे भी, नए पुराने का बड़े छोटे का कोई भेद नहीं था, है ना? क्वेश्चन और है, बताइए। अगर सपोज जैसे जुपिटर ट्रांजिट कर रहा है ना जी, कईयों के जुपिटर एक फंक्शनल मैलेफिक भी हो सकता है, राइट जी। देखिए जब हम ट्रांजिट की बात करते हैं ना, तो ट्रांजिट में आप फंक्शनल मैलेफिक और बेनिफिक को मत दीजिए, क्योंकि ट्रांजिट को जब हम देखें तो जुपिटर एक टाइम क्लॉक का काम कर रहा है, जैसे एक टाइम क्लॉक है तो चलेगी ना अपने नेचुरल पेस, तो टाइम क्लॉक है। हाँ जब आप दशा अंतरदशा का विचार कर रहे हैं तो जुपिटर आपका त्रिषड आया है कि योग कारक है कि क्या है, उसका विचार कर लीजिए आप। और अगर वो सपोज सैटर्न के ऊपर से जा रहा हो और सैटर्न एक अच्छी पोजीशन बना हो, देखो उसमें क्या होता है, मैं एक चीज बता देता हूं आपको। जुपिटर का किसी हाउस के ऊपर से ट्रांजिट करना या किसी हाउस लॉर्ड के ऊपर से ट्रांजिट करना लगभग एक समान है। जैसे मैंने अभी कहा आपसे कि भाई जुपिटर किसी का 5th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है तो दिस इज अ वेरी ग्रेट टाइम फॉर भक्ति। अब दूसरा आदमी सोचेगा अरे यार भक्ति करने की इच्छा तो हमारी भी है, तो क्या हमें वो फल नहीं मिल सकते जो ये आदमी भोग रही है, धनु लगन वाला, इसका तो 5th में जुपिटर मिल गया इसको। ऐसा नहीं है, आपका जुपिटर अभी जो टॉरस में आ रहा है, टॉरस में आ रहा ना अभी मेन, तो आप देखो किसी का टॉरस में 5th लॉर्ड है क्या, किसी का टॉरस राशि में 5th लॉर्ड है क्या? अगर 5th लॉर्ड है तो इट इज सिमिलर एज जुपिटर इज ट्रांजिटिंग इन द 5th हाउस। अरे भैया तुम घर से संबंध बनाओ या घर के मालिक से संबंध बनाओ, बात तो एक है ना, या तो आप घर में जाके बैठ गए या घर के मालिक से आपकी दोस्ती हो गई, तो दोनों ही केसेस में घर से तो जुड़ गए ना। सर ये ट्राइन में भी चलेगा? हाँ जी ट्राइन में भी हो जाएगा। मतलब आपका कहने का अर्थ है एस्पेक्ट अगर दे दे उस घर के स्वामी को। हाँ
मतलब मोर और लेस, हाँ यस, आंसर तो यस है इसका, बट ठीक उसके ऊपर से जाता है तो उसका प्रभाव मल्टी टाइम्स है, मल्टी टाइम्स। और सर अगर रेट्रो हो तो? यहाँ पे रेट्रोग्रेशन का कुछ नहीं, जिस राशि में है उसी के ऊपर वहीं पे लो उसको, वो रेट्रोग्रेशन ट्रांजिट में इस तरीके से अवश्य ले सकते हैं कि भाई ठीक है नाइन्थ में ट्रांजिट करता हुआ जा रहा है, रेट्रोग्रेड हो गया, तो उस कुछ कुछ क्षण के लिए वो अपने जो रिजल्ट है जो रेट्रोग्रेशन में पिछले घर से भी देगा। और एंडिंग ऑफ द रेट्रोग्रेशन में कैसे देखते हैं? रेट्रोग्रेशन में एस्पेक्ट भी लेते हैं पिछले घर। एंडिंग ऑफ द ट्रांजिशन आईडिया देते हैं अबाउट अपकमिंग ट्रांजिशन? बिल्कुल देता है, बिल्कुल देता है। मेरा 2610 में ट्रांजिट करने जा रहा है, आज मैं क्या कर रहा था वहां? मेरा 4812 में ट्रांजिट करने जा रहा है, बढ़िया है ना, अच्छा है। तुम आज मुझसे पूछ ही रहे थे कि मुझे क्या करना है, मैं बता दिया था तुम्हें। तो तुम्हारी ये जो मन की जो एक द्वंद चल रहा था मन में, मैं ये क्या करूं क्या ना करूं, मन के द्वंद के खत्म होने का समय आ गया। अब मनोस्थिति जो है, मनोस्थिति कहाँ से आती है? चौथे घर से आती है। वहां कौन ट्रांजिट कर रहा है? जुपिटर कर रहा है। तो मनोस्थिति में सुधार कर देगा तुम्हारी। मुक्ति ट्रेन पे जा रहा है। तो मुक्ति कहाँ से शुरू होती है भाई? मैंने क्या बोला था? मन से होती है। तो पहले मन में स्थिरता होगी तभी तो मुक्ति समझ में आएगी। अच्छा, कहीं ना कहीं और क्लैरिटी आ जाएगी। हाँ, मैं द्वंद खत्म हो जाएगा, जो एक एक टेंशन चल रही है ना मन में, क्या करूं क्या करूं, ये करूं वो ना करूं, वो चीजें। सर मून राशि से ट्रांजिट देखते हैं? देखिए जी, मैं मतलब इस पे ना हमेशा एक द्वंद रहा है, ये मून चार्ट से देखो के उस चार्ट से देखो, सत्य तो ये है कि जब सूक्ष्म लग्न ज्यादा है तो लग्न से देखो। मतलब मैं, मेरे को लग्न से रिजल्ट मिलते हैं तो मैं लग्न से लेता हूँ, लेकिन ऐसा मैं कभी भी नहीं कहता कि मून से आप ट्रांजिट नहीं देते। कुछ ट्रांजिट ऐसे हैं जो मून के साफ साफ बताते बताते हैं कि ये ट्रांजिट ऐसा कुछ कर सकता है। लाइक जब मून का ट्रांजिट नेटल मून के ऊपर से होता है तो आपको पता है बहुत डेंजरस पीरियड होता है, इट इज अ वेरी डेंजरस पीरियड। मून का ट्रांजिट नेटल मून के ऊपर से इज नॉट गुड। हाँ, तो आप देखो, आप एक महीने में एक दिन नहीं आता जिसमें बहुत डिस्टर्ब होते हो बिना बात? सब बढ़िया चल रहा है फिर भी आप डिस्टर्ब रहते हो। एक दिन नहीं होता है, तीन चार दिन ऐसे आते हैं। हर आदमी का देख लो, कोई भी कितना ही सही पेस पे क्यों ना चल रहा हो, वो एक टाइम आता है वो लोड फील करेगा ही करेगा। ड्यूरिंग दैट टाइम लॉर्ड श्री कृष्णा, इसलिए यार वो तो ड्यूरिंग दैट टाइम ऐसा नहीं, उसी टाइम मतलब एवरी टाइम, बट दैट टाइम इज मोर क्रूशियल एक्चुअली। अभी जैसे आज चंद्रमा कहाँ था बताओ? आज कुंभ में था। चलो पहले लड़ लो किसमें था। कुंभ राशि, कुंभ राशि। हाँ वो बोला उन्होंने, कुंभ में। ठीक है, तो कुंभ के अंदर किसका है भाई चंद्रमा? अरे कुंभ में है, कुंभ में है। तो कल और आज में कोई हेल्थ एबनॉर्मेलिटी या कुछ भी ऐसा फील किया? कल हेल्थ थोड़ी लो लग रही थी, आज थोड़ी हाई। अच्छा, कल लो लग रही थी, ठीक है। तो कुंभ में कब आया था? कल आया था कि दो दिन रहता है? कल रात को आया था, लेट इवनिंग आया था। ठीक है, तो ये लगभग कल लेट इवनिंग आया, तो कल लेट इवनिंग तक ये रहेगा बेसिकली, सवा दो दिन रहता है ना। हाँ, तो अभी ये देखो, इस दौरान थोड़ा सा हेल्थ हल्की बहुत अप एंड डाउन हो सकती है, कुछ तो थोड़ी सी इश्यू क्रिएट करता ही करता है। नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि जब किसी का लॉन्जिविटी का टाइम पूरा हो जाता है ना, आयु और मारक दशाएं भी आ जाती है, तो उस टाइम पे चंद्रमा का ट्रांजिट चंद्रमा के ऊपर से कुड बी वेरी डेंजरस, इट इज डेडली ऑल्सो। इफ दशा अंतरदशा इज बैड तो दिस ट्रांजिट इज डेडली। आत्म कारक से नहीं देखा जाता मित्र, वो कारक आमशा से देखा जाता है, जो कंसेप्ट तुम बोल रहे हो।
क्योंकि आत्मकारक के तो कई सारे हुए हैं। आत्मकारक तो मान लो नवांश में जाके बैठ गया, तो नवांश में तो वो स्वामशा है, लेकिन जब उसी आत्मकारक की पोजीशन को आप बर्थ चार्ट में ले जाते हो तो इट बिकम्स कारा कामशा। तो कारा कामशा से आप ट्रांजिट देख सकते हैं। गुरु जी, इसमें मून जी, मून का एक जस्ट जो आपने बोला ट्रांजिट का, आई विल जस्ट गिव यू स्मॉल एग्जांपल। महीने में सिर्फ 2 दिन में बीपी की दवाई खाती हूँ, जब मून मेरा नेटल मून पे आता है तब 6th हाउस में है, अश्विनी पे होता है ना। हाँ, 2 दिन ही खानी पड़ती है दवाई, बाकी कुछ नहीं होता है। तो ठीक है, आप क्या चाहते हो, सब दिन कुछ हो? नहीं 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 डॉक्टर नहीं, मैं तो नहीं चाहती हूँ। पापा डॉक्टर हैं तो चिल्ला रहे थे, लेकिन वो कुछ होता ही नहीं है। घर में मेजर भी किया, पहले तो समझ में नहीं आता था कि 2 ही दिन क्यों होता है, बट मेजर करना शुरू किया और मार्क करना शुरू किया तो 4 ईयर्स का मेरे पास रिकॉर्ड है। हाँ, तो बिल्कुल वही है, सही बोल रही हो, गलत नहीं बोल रही। मैंने बताया ना नेटल मून के ऊपर नेटल मून। देखो वो दो चीजें को है ना, फिफ्थ और एट्थ, और दोनों है ना वो 8th हाउस में। दिस इज अ ग्रेट टाइम फॉर एस्ट्रोलॉजिकल एडवांसमेंट, ग्रेट टाइम। वैसे भी मरकरी 8th हाउस में बहुत ही अच्छा कहा गया है, किसी प्लेनेट को इतना मतलब वो नहीं किया है, प्रेज नहीं किया जितना मरकरी को 8th में किया। ऑल्दो सैटर्न भी 8th को प्रमोट करता है अनडाउटेडली, लेकिन मरकरी 8th में बहुत ही अच्छा कहा गया, स्पेशली फॉर एस्ट्रोलॉजिस्ट, नॉट ओनली फॉर एस्ट्रोलॉजी बट फॉर मेडिकल प्रोफेशनल्स ऑल्सो। मैं कितने डॉक्टर मिल जाएंगे जिनका मरकरी 8th में होगा। एंड अबाउट दैट, अभी जुपिटर का उस पे एस्पेक्ट आ रहा है तो यस डेफिनेटली मल्टीपोलर, डेफिनेटली ये आपकी बुद्धिमत्ता है ना बेसिकली। तो ये ट्रांजिट में जब जुपिटर 4th में होगा इसको एस्पेक्ट देगा, तो इस टाइम पर आपका भाग्य आपकी बुद्धि को अष्टम भाव के कार्य करने के लिए प्रेरित करे, इसका अर्थ है। एक बात जितना जल्दी आप लोग समझ लोगे उतना अच्छा है। आप लोग जब इस बात पर विचार करना शुरू कर दोगे कि मुझे करना क्या है, और इस बात पर विचार नहीं करोगे कि क्या होगा या क्या नहीं होगा, तो आपके फल स्वयं अपने आप श्रेष्ठ होते चले, क्योंकि आपका फोकस जो है ना अब करने पर चला गया, मुझे करना क्या है, इस बात पर नहीं गया क्या होगा या क्या नहीं। क्योंकि आप उस अनसर्टेनिटी के डोमेन से बाहर निकलकर आप प्रेजेंट के डोमेन में चले, हाँ भाई ये आ रहा है, चलो भाई कसम खाली, जो होगा देखा जाएगा, बट मैं 8वें घर के लिए काम करूंगा। क्या पता आपके लाइफ में जितनी भी दिक्कतें इस टाइम पर आए वो सारा यही 8वें घर की यूटिलाइजेशन खत्म कर दे। बिल्कुल, लेकिन आप फिर भी विचार वहां ना करके इस बात पे कर रहे हो, एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा, गाड़ी तो नहीं पलट जाएगी, किसी ने कह दिया आपको तेरा तो एफ्लिक्शन में है, एक्सीडेंट हो जाएगा, पलटने की है क्या, माता जी भी तो पलट सकते। अब भक्ति चिंतन यस ना 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 भक्ति चिंतन मत बोलो, फिफ्थ एंड 8th का जब कॉम्बिनेशन बनता है तो ये भक्ति चिंतन नहीं है, ये इंटेंस भक्ति, इंटेंस भक्ति, वो मीराबाई वाली भक्ति, पागल पागल वाली भक्ति। 8th हाउस इज पागलपन, 8th हाउस इज पागलपन, रिमेंबर द बेस्ट यूज ऑफ 8th हाउस इज पागलपन। जब आदमी ये कहने हैं तो पागल हो गया इस काम के पीछे, That is 8th house. This guy is mad. ये तो जनूनी है भाई, ये आदमी जनून 8th हाउस का होता है। 8th हाउस अति है, उसको नहीं पता लिमिट क्या होती है, लिमिटलेस है, उसको मारेगा तो मारता ही चला जाएगा,
पिएगा तो पीता ही चला जाएगा, एडिक्शन है। पढ़ेगा तो पढ़ता ही चला जाएगा। तो अति हाइट था उस, तो वो भक्ति की भी अति करवा सकता है और वो अति करते 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 एट और फिफ्थ दोनों साथ है ना, तो अति करते 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 वो अति गलत चीज के लिए तो कर नहीं रहा है ना, वो अति करते करते यही अति उसको आनंद की प्राप्ति करवा देगी जो फिफ्थ हाउस है। समझ गए? दैट इज फाइव एंड एट। लोग इसको कहते हैं भ्रष्ट बुद्धि एक्चुअली जो बोलते हैं, लेकिन आप उसको भ्रष्ट बुद्धि नहीं कहोगे, आप उसको कहोगे इंटेंस बुद्धि। सिर्फ डायरेक्शन देना है, बस डायरेक्शन देना है, फिर इस जैसी बुद्धि की कहां यूज करना है, क्योंकि वो अनकंट्रोल्ड बुद्धि है। 5-9 होता तो चलो एक लॉजिकल सी समझाई हुई सी वैसी बुद्धि है, ये नहीं है वैसी भाई, ये नहीं है तो कुछ भी सोच लेगी, कुछ भी सोच लेगी, एट हाउस है, कितनी भी अंदर जाके सोच लेगी चीजों। कहां यूज करना है ये फिफ्थ का लॉ डिसाइड करेगा ना? ना ना ना, देखो क्या है यहाँ बात, फिर अफ्लिक्शन की और उसकी आती है, अफ्लिक्शन में है फिफ्थ लॉर्ड एट हाउस में या पॉजिटिव प्लैनेट्स के इन्फ्लुएंस में। अफ्लिक्शन में आ गया तो पक्की बात है आपको एडिक्शन में मजा आएगा, आप दारू पियोगे, आप सिगरेट स्मोक करोगे, आप और कुछ नशे वगैरह कर सकते हो। बिकॉज फिफ्थ, जब हम किसी एडिक्शन का केस देखते हैं ना, तो एडिक्शन के केस में फिफ्थ हाउस या फिफ्थ लॉर्ड अफ्लिक्शन मिलता ही मिलता है। तो एडिक्शन क्यों करता है? उसको आनंद आता है। किस चीज में? गलत चीज में आनंद आता है। तो एडिक्शन, जितने रिसर्चर्स हैं, जितने एडिक्टेड लोग हैं, जितने इंटेंस भक्ति वाले लोग हैं, जितने इंटेंस बुद्धि वाले लोग हैं, जितने ड्रग एडिक्ट हैं, इनकी लगभग कुंडलियों में आपको फिफ्थ और एट्थ का कनेक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि इनको आठवां घर मजा देता है। समझ गए? इंटेंस आनंद देता है आठवां। ठीक है, तो इसीलिए ये ऐसे कार्य करते हैं। ट्रांजिशन का भी अफ्लिक्शन एंड बेनिफिट। अरे 100% यार, ये एक बात बताओ ना, किसी का सेकंड लॉर्ड 12th में चला गया, ठीक, तो पहले जब हम कभी पढ़ते थे तो मेरे दिमाग में यही आता था कि यार सेकंड लॉर्ड 12th में, 12th हाउस तो खर्चे का है, लाइक खर्चा है, लॉसेस है, और 12th हाउस जो है विदेश भी है। तो अब जब मुझे डिफरेंशिएट करने को कहा जाएगा कि भैया डिफरेंशिएट करके बता इसको कि ये पैसा गवाएगा या विदेश से कमाएगा, क्योंकि दोनों में कनेक्शन तो 2 और 12 का है। पैसा गवा दिया वो भी 2 एंड 12, पैसा विदेश से कमा लिया वो भी 2 एंड 12, दोनों प्रॉमिस दिख रहे हैं। अगर युति या दृष्टि उस सेकंड लॉर्ड के 12th पे अच्छे ग्रह की है तो ये कमाएगा, अगर नेगेटिव ग्रह की है गवाएगा। ये डिटरमाइनिंग फैक्टर है, यही तो ज्योतिष को डिफरेंशिएट करना होता, नहीं तो कैसे करोगे? लेकिन ये हमें नहीं कहना है, ये हमें समझना है, नहीं तो सामने वाले को हमने कह दिया तू तो गवाएगा, वो तो बेचारा मर जाएगा, उसको काउंसिल हम फिर भी वैसे ही करेंगे ताकि कुछ कर्म उससे ईश्वर ऐसा करवा दे कि कुछ ना कुछ बैलेंसिंग होके वो कमाने लग जाए। गुरु जी, जब अफ्लिक्शन दिख रहा है तो फ्री विल रखा है या? देखो यार, मैंने क्या बोला था, कर्म से मतलब अगर आप कर्म कर रहे हो, अच्छी कंपनी में हो, दुआएं आपके साथ है, तो कोई ना कोई अलाइनमेंट ईश्वर अपने आप करवा देता, अपने आप करवा देता। मैंने 6, 8, 12 के केस में मैं एक स्टोरी बताई थी, मैं अभी ऐसे ओपनली बता नहीं सकता बिकॉज कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं उसके। तो मैंने 6, 8, 12 की सबसे बैड कंडीशन में, जिसमें लोग बर्बाद हो जाते हैं, उसमें एक व्यक्ति को इंटेंस पैसा कमाते हुए देखा। और जब उसको, उसके चार्ट को जब उससे सारी स्टोरी पूछी कि भाई तू बता ही दे यार कैसे, क्योंकि मतलब सहन नहीं हो रहा कि तू इतना पैसा कैसे कमा रहा है तो जो उसने वो चीजें बताई, तो ही वाज एक्चुअली यूजिंग 8वां एंड 12वां, तीन हो गए, तीन
ये तो उन्होंने ही रचा हो डेफिनेटली है। आदमी कौन है तो एक इंस्ट्रूमेंट है समझ रहे हो, तो काम करती है भाई पक्का करती है। देखो मैंने जो कर्मा अलाइनमेंट नाम दिया ना, तो भले ठीक है किसी को समझ में आए ना आए, कोई कहे कि नहीं यार कुछ नहीं होता कर्मा अलाइनमेंट डेस्टिनी होती है वो, देखो मैं खुद इस बात को मानता हूँ कि होता है वही जो राम रची राखा ठीक, लेकिन जब राम ने ये रचा हुआ है तो राम ने ऐसा भी कुछ रचा हुआ है कि ऐसा कर्म करोगे तो ऐसा कुछ होगा, ये पक्का है। कर्मा अलाइनमेंट में हमने देखा है इस चीज़ को कि वो जमीन पे जब लोग सोए हैं तो रिजल्ट आए हैं, बच्चे जब खेले हैं उनको खिलाया गया है तो उनके मार्क्स बढ़े हैं घटे नहीं है, तो ये क्यों हुआ है, कहीं तो कुछ है ना, कुछ तो प्रभाव है ना कर्म का जो काम कर रहा है डेफिनेटली, फिर वो आगे भी करेगा क्यों नहीं करेगा। ठीक है तो हमें अलाइनमेंट पर ज्यादा ध्यान देना है, समझ इतनी जरूर रखनी है कि सामने वाले की डेस्टिनी सही है या गलत है, उसको ऐसे नहीं बताना है, अगर मेंटेन रखना है डेफिनेटली मेंटेन रखना है। भाई अगर कोई एस्ट्रोलॉजर किसी को उम्मीद नहीं दे सकता तो वो ज्योतिष किस बात का कर रहा है, सही है किस बात का ज्योतिष है, बस इस चीज को रखो। और एस्ट्रोलॉजर वही कामयाब है, वही एस्ट्रोलॉजी ढंग से कर रहा जो सामने वाले की मनोस्थिति को पूर्णतः बदल दे, पॉजिटिव सेंस में बदल दे। मनोस्थिति अगर बदली तो दशा और दिशा दोनों बदल जाएगी, क्योंकि वो दशा भी तो मून से जुड़ी है। यस एब्सोल्युटली, एक ही ग्रह तो तुम्हारा पूरा जीवन का कालखंड तय कर रहा है चंद्रमा, उसको 3 दिन पीछे कर दो तुम्हारे सारे इवेंट बदल जाएंगे, सब आगे पीछे हो जाएगा, कर दो आप उसको उसकी डिग्री कर दो उसकी डिग्री। आप जब पैदा हुए हो, आप अगर किसी टाइम पे पैदा हुए, आज ये इवेंट आप यहाँ बैठे हुए हो, अब कर दो अपने को 1 घंटे पीछे, आप यहाँ नहीं बैठे हो, आप कहीं और चले जाओगे, इधर पास्ट और प्रेजेंट। किसी की दशा खराब होती है सबसे पहले उस बंदे का मूड खराब होता है, ऐसा नहीं कह सकते। अब तुम कहो कि जी किसी को त्रिषडाया की दशा मिल रही है, रेगुलर मिल रही है, पहले 3 की मिली फिर 6 की मिली 11 की मिली, तो क्या वो खराब हो गया, ऐसा नहीं है। एक चैप्टर मैंने पढ़ाया था इसमें, मतलब मेरे ख्याल वीडियो है वो, पता नहीं है मेरे को एग्जैक्टली उसका वो शीर्षक याद नहीं आ रहा, टाइटल उसका क्या था, बट जो गुरुजी की बुक है उस बुक में उन्होंने साफ साफ लिखा है कुछ हाउस लॉर्ड ऐसे हैं कि जब वो नेगेटिव हाउस लॉर्ड्स के साथ भी मिलते हैं तो उनको भी वो अच्छा कर देते हैं। मान लो आपके 6th लॉर्ड की दशा चल रही है, जैसे यू आर रनिंग थ्रू योर 6th लॉर्ड पीरियड, बट स्टिल तुम्हें वो दिक्कतें नहीं आ रही जो 6th लॉर्ड दे देता है, स्टिल यू आर इन अ गुड स्टेट। व्हाई? योर 6th लॉर्ड इज इन म्यूचुअल एस्पेक्ट विद योर लग्ना लॉर्ड व्हिच इज द किंग ऑफ योर हॉरोस्कोप, तो लग्ना लॉर्ड के संपर्क में आ गया ना वो, वो इतना बुरा नहीं कर पाए। अगर यही 6th लॉर्ड तुम्हारा लेट से 3rd लॉर्ड के उसमें आ जाता संपर्क में, तो दिक्कत खड़ी कर देता तुम, ठीक ठाक बैठे हुए अच्छा अपना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही तुम 3rd और 11th को देख सकते हो, ऐसे ही तुम 8th को देख सकते हो। 8th में तो इनफैक्ट मैंने बोला भी था, आप लोग पूछ रहे थे कौन मेरे से कह रहा था मुझे पॉलिटिशियंस के लिए प्रिडिक्शन देनी है, कहाँ गए मिश्रा जी कह रहे थे ना शायद। हाँ। तो जब आप पॉलिटिशियंस के लिए प्रिडिक्ट करेंगे, जब पॉलिटिशियंस को प्रिडिक्शन देंगे आप, तो 8th लॉर्ड को आप चेक करेंगे। आंसर मिल जाएगा, 8th लॉर्ड की दशा है, वेल प्लेस्ड है, ट्राई कर रहे हैं आप, बट उसको राजसत्ता मिलती है आउट ऑफ नोवेयर। नहीं यार ऐसा नहीं कह सकते,
करता हूँ यहाँ, मुझे आके कॉन्ग्रेचुलेशन, यू कैन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. आई सेड वाओ, जस्ट लाइक अ, ऐसे नहीं हो सकता यार. जैसे कि लाइक वो होते हैं लाइक देखो मोहित, कभी भी कोई चीज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ऐसे नहीं होती, उसका कोई तो आधार रहा होता है, टच रहा है, आधार रहा है, बेस रहा है, कुछ तो रहा होता है, ऐसे नहीं मिलती, ऐसे नहीं होता. अरे संपर्क में तो होगा एटलीस्ट. वो पार्टी ऑफिस तो गया होगा, वो तो गया होगा, राइट राइट. लोग चिल्ला चिल्ला के कहते यही था वो, यही था वो, तो इसने कुछ तो किया होगा. समझ रहे हो, अच्छा झलक दिखलाई हो, समथिंग शुड बी देयर ना. तो ऐसा नहीं होता भाई, बिल्कुल ही आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मिल जाए, कहीं कोई पृष्ठभूमि रही होती है तभी वो कार्य करती है. ठीक है, और प्रश्न है भाई किसी का पूछ लो. अच्छा ये बताओ, आज काफी सारे लोगों की कुंडलियां तो हमने देख ली है ना, कितने लोगों की नहीं देखी है? अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है भाई, ऐसा करो, आप नहीं देखोगे मतलब ये डाल दो. नहीं भाई देख लूंगा, मैं देख लूंगा, मैं कोर्स के बाद मैं रोके नहीं जाना.